रुक कर ना, हमारे घर में थी क्या सुंदरकांड का पाठ थी, नहीं था सुंदरकांड का पाठ, और भाई साहब शोर देखा कितना मचल रहा, सफाई वफाई चल रही हैं, रात भर काफ़ी मेहनत करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया, उसके बाद जो अपने बंदों का वेट कर रहा है कि वो आ रहे हैं बल्कि वो रात भर अच्छा चौड़े सोएं, लेकिन नहीं, हमें लग रहा है हमारे कोई मित्रगण आए हैं। ओह नहीं नहीं, तो क्या वेदर हो रहा है, मौसम देखिए आप क्या ज़बरदस्त, ओह भाई कुछ लगा इसमें है ना, आ हा 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 इसको देखो, हाँ जी फरमोश जी, हाँ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ ना, आज आशीर्वाद जा रहे हैं, बहुत दूर घूमने जा रहे हैं, चलो चलो बाय बाय, जय सीताराम। हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मल्होत्रा ब्लॉग्स, आप सभी का स्वागत है मल्होत्रा ब्लॉग्स में। जी हाँ, और आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे, जो नया बना है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा 100-200 किलोमीटर तक जाएंगे, देख के आएंगे कैसा बना हाईवे, क्या क्या फैसिलिटी दी गई हैं, और मैंने सुना है उसमें इलेक्ट्रिक हाईवे भी बन रहा है साथ में पैरेलल में, तो अगर हमें दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और ड्रोन शॉट तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और बस वेट कर रहे हैं अपने दोस्त का आ जाए तो फिर चलते हैं। मिलिए हमारे फरमोश सर से एक बार फिर से, ट्रक में आपका स्वागत है। तो आज मतलब ये गाड़ी नहीं जा रही, ये गाड़ी सिर्फ हमें एक जगह तक लेके जाएगी, क्या पता कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ये हम लोग के ग्रुप का किसी को भरोसा नहीं है। सुबह सुबह भाई बड़े दिनों बाद उठे हैं। ये लोग तो उठ जाते हैं सुबह सुबह, आपको तो उठ जाते ना सर 6 बजे, मैं हाँ। अरे दादा ये जाते हैं सुबह रनिंग में भाई साहब, समझ रहे हैं, तो जब इन्होंने रनिंग स्टार्ट किया था ना तब हम पीक पे थे। लेकिन अभी तो खतरनाक वाली रनिंग करते हैं भाई, अभी मैराथन दौड़ के आए हैं लद्दाख में। तो भैया सबका ये था कि बोले हम 2 बजे तक आ जाएंगे, मेरा मैच था, तो अभी यहाँ पे कंफर्म हो गया, अब पता नहीं तो इसका मतलब वो नहीं आ पाएंगे, और अभी हमारी 3 गाड़ियाँ लगी हैं, देखिए आप अच्छे से देखिए, मैं अच्छे ऐसे दिखा देता हूँ इन तीनों के साथ, और ये हमारा ऑफिस है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, गाड़ी कौन कौन सी जा रही है पहले कंफर्म करो, एक ही गाड़ी में चलता है, चलो ये गाड़ी चलेगी फिर, आप ये वाली गाड़ी सेलेक्ट करी गई है आज जाने के लिए, तो इस गाड़ी में आज हम प्रस्थान करेंगे एक्सप्रेसवे के लिए, लेकिन सबसे पहले करना है ब्रेकफास्ट, कुछ लोग तो करके आए हैं, हम तो करके नहीं आए भाई साहब, देर हो गई तो मुझे भूख लग रही थी, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा देखा, बस थोड़ा थोड़ा करके हम तो बिल्कुल फास्ट को हमने ब्रेक कर दिया, नहीं नहीं आपका जब मैंने बात हुई ना तो फिर ये निकल गए थे, मैंने कहा क्या बोल रहे हो, इसको जब भी चालू करना बता के चालू कर रहा हूँ, तोड़ ताड़ दूंगा किसको, तो मैं ये देखो गोप्रो तुमको बोलना है, और यहाँ पब्लिक देख रहा है जिसको आप तोड़ने की बात कर रहा है, ये वायलेंस की बात नहीं चलेगी लिफ्ट में, देख लो मेरे को बिना बताया कुछ रिकॉर्ड किया तो तोड़ डालूंगा, क्योंकि इनके इन सबके बहुत रिकॉर्ड। हमारी बहुत बढ़िया कंसल्टिंग है, आप कंसल्ट तो अच्छा करते हैं। अरे आप किस कहाँ से हैं सर, अपनी कंपनी का नाम बताते हैं आप? कानपुर से। कानपुर वालों को हमेशा कंसल्टिंग बढ़िया ही रहती है। अब जाते बाहर बोलो कि मेरी तबीयत खराब है, आपको कितनी दवाइयों पे आपको बता दिया जाएगा, आपको कितने रिश्तेदारों पे इसका क्या हुआ था पूरी हिस्ट्री के साथ में बता दिया जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही ऐसा मेरा एक रिश्तेदार तो मर गया था बेचारा बीमारी। तो आपको ये बताया जाएगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, सो इन इंडिया एवरीवन इज अ कंसल्टेंट। एक्स बेनेडिक्ट, फुली पोस्ट एक्स, ओनली पोस्ट एक्स है, फुली पोस्ट एक्स, फुली पोस्ट एक्स,
on bun, bun, wheat bun, with spinach and with baby cherry. Tomatoes. बेबी टमाटो वो चेहरे नहीं है जो समझ रही है वाली देख लो। हमारे लिए भी कुछ मंगाया गया लेकिन हमें खुद नहीं पता उसमें कैसे मैं तो पता ब्रेड मसाला ऑमलेट है मसाला ऑमलेट है और ये क्या है स्पिनच ये वो है पोटैटो मैश पोटैटो ये क्या है ये स्पिनच वही तो बोल स्पिनच ऑन द साइड कुछ भी खाओ गुरु ब्रेकफास्ट बहुत ज़बरदस्त था जो भी हमने अटर बटर मंगाया था बहुत ज़बरदस्त था भाई साहब खाने में और पेट फुल हो गया मुझे लगा था होगा नहीं फुल बट हेल्दी था और अच्छा पूरा फुल भी हो गया। अभी भाई हम लोग नाश्ता वाश्ता करके निकल गए थे और अभी हमारा जो काफिला है वो सोना रोड की तरफ आ चुका है। ये सोना रोड पर चल रहे हैं हम ये देखिए रोडवेज की बस ये माइकल शूमाकर इनसे नहीं पंगा लेना बाकी किसी से भी लीजिए आप कासिफ सर आप किसी से पंगा लीजिए हरियाणा रोडवेज से नहीं। And here we go. We are. एक मिनट ना बंद करना इसको गानों को अरे आप पूरा कहानी कहा वो मार दे रहे हैं गाना चला के कॉपीराइट आ जाएगा। देखिए भैया जी हम लोग पहुंच गए कहाँ पे भैया मुंबई एक्सप्रेस पे चढ़ चुके हैं दोस्त देखो ये देखो ये बनाए हैं ये नितिन गडकरी जी 8 लाइन के बोले हैं हम आज चेक करने आ गए हैं देखा 8 लाइन है अभी कि नहीं भी हमको तो चार ही दिख रहा है उस साइड हम इसीलिए बोले थे कि बताएंगे ये लोग चार लाइन हमको दिख ही रहा पूरा खोला है थोड़ा और मिलता है ना उतना ही खुलेगा रुको बड़ा सा तो खुद बड़े पतले हो महंगी गाड़ी ना पता नहीं है आहा भैया जी देखिए रुक गए यहाँ पे और यहाँ पे इस एक्सप्रेस वे पे हमें पहला फूड कोर्ट भी दिख गया है और हमें रेस्टरूम भी दिख गया और पेट्रोल पंप जो तीनों चीज़ें चालू हैं यहाँ पे बट यहाँ पेट्रोल पंप नहीं पेट्रोल पंप पीछे था जहाँ चालू था हम जहाँ से आ रहे हैं मतलब हम गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं सर क्या लेंगे आप चाय ली जाएगी गुरु चाय ब्रेक ही रुका मतलब ये चालू हमें लगा था चालू नहीं होगा कोई भी एक चालू है, एक पीना भी चालू है। हाँ। खाना पीना चालू है सब कुछ मिल रहा है भाई साहब यहाँ काफ़ी भीड़ भी है पराठे भी हैं पैटीज भी है और है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी नया नया बना है तो जो वाशरूम वाशरूम बना है वो थोड़ा सा क्लीन था मतलब अगर अभी हालत ऐसी है तो फ्यूचर में कैसा रहेगा मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर का कवर करता है तो मुझे लगता है थोड़ा क्लीन मिलेगा आपको मुझे ऐसा लगता है मेरा एक्सपीरियंस ऐसा लगा भी वाशरूम जाकर छोटा होते हुए नीचे वडोदरा जाएगा यहाँ पे नहीं मैप डिस्कशन हो रहा है चाय के साथ वडोदरा के आसपास से निकलेगा तो अब हम कहाँ तक जाना है ये हम डिसाइड कर लेते हैं अभी थोड़ा आगे दौसा उसके थोड़ा आगे लालसोट है उतना खुला हुआ है देखिए भाई साहब अभी ना जितने आप चेहरे देखिए इधर तो आप जानते हैं इधर सारी बात नहीं है बाकी इन लोग का भी एक्सप्लेन कर दे लेकिन ये जिस तरह के गाने इस ट्रिप पे सुने जा रहे हैं हमें नहीं लगता कि हमने इससे पहले ऐसे गाने कभी ट्रिप में सुने होंगे इस तरह के है ना आवाज़ ठीक आनी चाहिए क्योंकि माइक का आज थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आप ठीक आने चाहिए हाँ भैया कौन सा गाना एक बार प्ले करेंगे काशिफ जी ज़्यादा
ज़्यादा गाना सुनाएंगे तो कॉपीराइट डर जाएगा, इसे भी काटना ही पड़ेगा। और देख रहे हैं अपराध चल रहा है, पूरा माहौल बना हमने सेट कर रखा, ड्रोन शॉट बहुत बढ़िया होंगे। देखे हैं तो भैया लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से ड्रोन शॉट लिया हमने, वो भी हाँ वाईफाई नहीं चल रहा था, कोई ट्रैक नहीं कर पाए, मैनुअली चलाना पड़ा हमें। और यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है सवाई माधेपुर, जहाँ पे रणथंभौर, जहाँ पे आपका नेशनल पार्क है, जहाँ पे आपको टाइगर मोस्टली देखा जाता है इस नेशनल पार्क में। तो यहाँ से 50 किलोमीटर है सवाई माधेपुर वही रणथंभौर, और यहाँ तक ही रोड ही बना था जो न्यूज़ में आया, हमारे साहब ने जो भी न्यूज़ देखी थी उन्होंने बोला कि यहीं तक रोड बना, और हम लोग आगे तक जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक बना है, जहाँ पे बंद होगा वहाँ से वापसी ले लेंगे एक फ़ोटो के साथ, है कि नहीं, यही डिसाइड किया हमने। और हम लोगों ने लंच का भी प्लान कर रखा है, मिला तो खाएंगे नहीं तो सूखे घर जाएंगे, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, खा के जाएंगे बोले नीचे उतरना पड़ा, खा के जाएंगे भाई साहब, लेट्स सी क्या होता है। और अभी रोड काफी दूर तक दिख रहा है बना हुआ, ऐसा नहीं कि आप भी देखो, और इतने बड़े बड़े फूड कोर्ट और इतने बड़े बड़े कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, अब मॉल वगैरह खुल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा यूएस में गाड़ी चला रहे हो बेसिकली, नहीं इंडिया में, आपको ऐसा लगेगा आप इंडिया में ही गाड़ी चला रहे हो इनका माने, मैं हम कभी गए नहीं तो हम बता देने कि फीलिंग लोगों को जैसे वहाँ पे आती है वैसी फीलिंग यहाँ पे भी आती है, अनलेशी रोगी है और काफ़ी अच्छा एक्सेस फीलिंग मान नहीं आती थी ऐसी, क्योंकि यहाँ खाना थोड़ा सा डिफरेंट तरह का, आप इंडिया जैसे चटपटा टाइप का खाना खाते हैं, वहाँ मिलती है स्पिनच मिलेगी कांटे चम्मच का भी खिलाई सुबह इन्होंने वैसे खाने को मिलता है, लेकिन बढ़िया है कुछ भी कहो। भैया हम लोगों ने बोला था कि लाल सोट पीछे वाला एक कट दिखा था, हमने वहाँ से सोचा कि लाल सोट तक रोड बनी, लेकिन उससे आगे बनी, लेकिन लाल सोट वहाँ से दिखाया 24 किलोमीटर आगे है, 24 किलोमीटर आगे तक ये हाईवे मिलेगा अभी हमें, और हम सोच रहे हैं यहाँ से यू टर्न लेके नहीं आगे चलते ना, जहाँ तक बने वहाँ तक चलते हैं ना, तो लाल सोट आगे। ऐसे हमारा गुड़गांव केएमपी पे अगर आते हो तो पहले दिखाता है, अगर आप पानीपत साइड से आ रहे हो तो आपको दिखाएगा बादली से दिखाएगा गुड़गांव का रास्ता, वहाँ पे भी गुड़गांव मेंशन होता है, आगे आएंगे फारूक नगर से भी दिखाएगा, आगे आएंगे तो क्या दिखाएगा आपको पटौदी से भी दिखाएगा और फिर मनेसर से भी दिखाएगा, तो डिपेंड करता है आप किस जगह जा रहे हो। तो वैसे यहाँ पे भी है जो लाल सोट का रास्ता दिखाया है कि नहीं। तो फाइनली भैया जो मुंबई गुड़गांव वाला जो एक्सप्रेस वे बना है हमारा नया वाला, उसका यहाँ पे अभी तक का पॉइंट है, यहाँ से आगे रोड क्लोज है, देखो बोर्ड लगे हुए हैं लाल सोट, लाल सोट बोल लो, लाल सोट बोल लो, जो मर्जी आपकी इच्छा बोले, लेकिन है लाल सोट जी, राजस्थान का ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, आप अंदर आगे जा नहीं सकते, यहाँ से हमें वापस लेंगे हम आगे कहीं डिनर या लंच करेंगे, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे हाईवे ख़त्म है लाल सोट पे, यहाँ से एग्जिट कितना है 228 किलोमीटर गुड़गांव से लेके यहाँ तक, ये लिखा है बोर्ड छोटे से में, एक किलोमीटर लिखा है 228.1, और यहाँ फोटो वोटो ली जा रही है देखिए व्लॉगर के साथ जी। सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रिप के बारे में, कुछ अपने बारे में सर, अरे बाद में कीजिए ना। बहुत ही बढ़िया ट्रिप चल रही है, अभी तक बहुत बढ़िया आए, एकदम स्मूथ राइड, एक घंटे सवा घंटे तो ब्रेक नहीं मारी आपने, गाड़ी जो है क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दी थी, हमें चेंज नहीं करना पड़ा, और बिल्कुल स्मूथ रोड है मक्खन जैसे। और सर फैसिलिटी के बारे में बताएं, क्या क्या फैसिलिटी मिली आपको यहाँ पे रास्ते में खाने पीने का? अभी तो हम इतनी जल्दी आ गए कि फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं वैसे क्या, लेकिन वैसे बहुत सारे रेस्ट एरियाज बन रहे हैं जो कि काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो शायद अच्छा खासा प्लान है, कुछ एक दो ही चालू हैं, बाकी अभी बन रहे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बन रहे जैसे बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये सारा अपडेट यहाँ का, बाकी बड़े बड़े हैं लेकिन खुले नहीं, खुले ढाबे में बैठेंगे वही जगह पे खाट वाट में बैठेंगे, देख रहा ऐसे मैं बचपन में, तो ठीक है शाही पनीर लगवा दे,
शाही पनीर कर दो, दाल कर दो, एक मिक्स वेज कर दो और एक सेव टमाटर कर दो। बस थोड़ा सा साफ करके बनाना बस, इतना है ना, क्योंकि हमारे सर को थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम स्टमक का, तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इनके भी हाइजीन का ना। तो अभी हम लोग यहाँ देखो पटरे ट्रक बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था ना, मैं पापा के साथ जब भी जाता ट्रक घूमने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट काम आज भी तुम पापा के साथ आए हो, तीन पापा हैं। हाँ, तो ये जो पटरा देख रहे हो ना, ये पटरे में ऐसे बैठ कर खाट पर बैठे खाते थे खाना, और शुरू मतलब बचपन की याद आई है सलो बात। और ये इतने बड़े वाले हैं ना गुरु, इनकी कोई भी बात वाली काटूंगा नहीं, और मैं भाभी को ज़रूर दिखाऊंगा, ये देख लो बाहर आते कैसे होते हैं, ये इतने खतरनाक गाने और इतने खतरनाक बातें ट्रिप पे होते हैं, लेकिन बहुत बहुत मजा। तीन तीन पापा आए हैं, बुजुर्ग बोलो ना सीधा, 80-80 साल के हैं ये, सब पापा हैं, तुम भी पापा, हम भी पापा हैं, अभी हम दूसरे का बनने वाले हैं, तो वही है, तो फिर इसमें बुरा बनने की क्या बात है, दो के पापा हैं आप, दो के ये, दो के आप भी, दो के, अरे गुरु ये तो छह तो उधर ही हो गए, सातवां आठवां आ रहा हमारा, वे चार हो गए, हम तो तुमसे बड़े वाले हैं, आप तो बड़े वाले हो। हाँ तो फाइनली भैया ये जगह है, पड़ती है लाल सोट, क्या जाना था? लाल सोट में आगे एक छोटा ढाबा मिल गया हमें, मतलब उतरते ही एक्सप्रेस से उतरते ही ये ढाबा है, और हार्डली कितना आधा किलोमीटर पे होगा ये, 500 मीटर के आसपास है। भैया ये मिल गया, खाएंगे खाना वाना, ऑर्डर दे दिया है, शाही पनीर दे दिया है और सेव टमाटर सब्जी का ऑर्डर दे दिया, और भी कुछ मिक्स भी दिया क्या? हाँ मिक्स वेज भी दिया, दाल भी दिया, मिक्स भी दिया, दाल भी दिया, और तवे की रोटी खाएंगे, बढ़िया मौज लेंगे, इतनी दूर आए भूखे थोड़े नहीं जाएंगे और वापस। सेव टमाटर मिक्स वेज रोटी का टेस्ट बड़ा है, गरम गरम खाना मस्त है। इंस्टाग्राम पे टैग भी किया आपको, तो भैया खाना वाना हो गया, चाय के सुस्की ली जा रही है, खाना बहुत ज़बरदस्त था और चाय भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये देखो मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक रील डाली है, बहुत सारी स्टोरी डाली है, ये गाने वाने उसी के चल रहे हैं, है ना, ये हमारे कॉपीराइट ला के रहेंगे, ये मान के राजी नहीं है दोस्त। तो भैया अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाओ इंस्टाग्राम पे, सामने आ रही है स्क्रीन पे,